प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनके द्वारा दिखाए गए अष्ट मार्ग पर चलने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि दुनिया आज असाधारण चुनौतियों से लड़ रही है और इसका समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा विभाग के कॉलेज ब्रांच में कार्यरत महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने मई 2020 परीक्षा रद्द करने और उसे नवंबर 2020 के साथ विलय करने का फैसला किया है। ये जानकारी ICAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी आधिकारिक घोषणा में दी गई है। इंद्री लांडवा रोड पर गांव अंधगढ़ के पास गुरुवार की रात अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर एक कारपेंटर की हत्या कर दी। मृत की पहचान शाहबाद के कलसाना निवासी 30 वर्षीय मोहन के रूप में हुई है। चीन को बड़ा झटका। लुधियाना बेस्ड देश की मशहूर हीरो साइकिल ने रद्द किया 900 करोड़ का ऑर्डर। जर्मनी बना विकल्प। कंपनी के MD पंकज मुंजाल ने दी जानकारी। अगले हफ्ते से पंजाब में शुरू होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट और बाहरी वाहनों को पंजाब में एंट्री ई रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगी। जहां कोरोना संकट काल में सभी स्कूल बंद थे, अध्यापक और विद्यार्थी घरों में समय बिता रहे थे, तो वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने कोविड की वजह से मिली छुट्टियों में अपने ट्रांसफर में पूरी मेहनत लगा दी। जी हां, चौंकाने वाली जानकारी शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली है कि अप्रैल से जून तक 2000 से ज्यादा शिक्षकों ने अपने ट्रांसफर करवाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।